गाइस सुबह सुबह चल रही थी चाकी, इसलिए व्लॉग बनाने में हो रही थी दिक्कत। हे एवरीवन, सो वेलकम टू माय व्लॉग। सो सुबह सुबह चक्की चल रही थी तो मैं चली गई छत पे, क्योंकि अभी चक्की चल रही है तो काम तो करने ही पड़ेंगे। व्लॉगिंग नहीं कर पाई थी इतनी नीचे, क्योंकि चक्की चल रही थी तो मैं खुद से व्लॉगिंग नहीं कर पा रही थी। बट फिर मैं ऊपर तो आ गई थी, ऊपर तो मैंने व्लॉगिंग करी। तो छत पे मैंने अब आ गई मैं जल अर्पित करने के लिए एंड पौधों में पानी देने के लिए। तो सुबह सुबह देखा मैंने, फिर आने के बाद यहाँ भिगो रखे हैं तो फिर मैंने ड्राई फ्रूट्स को निकाल लिया खाने के लिए। सो मूली डाल रखी थी मम्मी ने रोटियों में, तो मूली की रोटी थी एंड चाय तो मैंने खाई। दोपहर के 12 कुछ बज रहे थे तो हम वीडियो शूट करने के लिए आए थे, तो 10-15 मिनट तो हम वहीं खड़े रहे क्योंकि रेल आ रही थी। तो फिर इतनी गर्मी, फ़ोन तो बिल्कुल, मतलब आईफोन में तो ये फीचर होता है, आईफोन बिल्कुल मतलब स्टॉप हो गया था क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया था वीडियो शूट करते करते। इतनी धूप में वीडियो शूट करी ना, मतलब बहुत हार्ड वर्क होता है दोपहर के 12-1 बजे बाहर धूप में वीडियो शूट करना। सो गाइस अभी पीऊँगी मैं जूस, मम्मी लेके आई है। मेरे अभी हम वीडियो शूट करके आए थे तो फिर मैं तो रेस्ट कर रही थी, तो बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी थी। सो गाइस ये है मेरा लंच, ये रायता है घिया का एंड सिच चावल। टेस्टी है। सो गाइस ये मैं लस्सी पी रही थी और लस्सी में है इतना सारा घी, 2 चम्मच तो मैं खा गई। पहले घी खाओ फिर लस्सी पियो। सो गाइस काजल किचन, काजल और आंटी किचन साफ कर रहे थे, तो ये सारा सामान ओल्ड किचन में से बाहर निकाला। सफाई अभी भी चली रही है। ये ओल्ड, यहाँ ओल्ड किचन में हमारा फ्रिज रखा हुआ है और एक्स्ट्रा सामान, तो ये ऐसे साफ करिए। ये तो चमक चुकी है, नीचे से भी साफ कर दिया, अभी तो लग रहे हैं। देखा तो यू हाथ में देने का थोड़ी है, हाथ में थोड़ी है, साफ कर रहे हम। पहले ना पानी में दिया कर, रात गल तो फिर भी नहीं, हाथ तो फिर भी नहीं लगाना पानी में देने के बाद भी। सरसों का तेल ला ले, लियो रिलैक्स हो जा, काम डाउन, दिमाग ना ठंडा रखा कर। जैसे कि पंडित बता रहे थे, अपनी मौत को खुद बुलाती है, खुद भस्म हो जाती है। आंटी बोतल पे रगड़ा मार लेंगे। सांग बांग हो करना दरा दरा तो ना दरा 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 दरा
तो गर्म पानी में मेल्ट हो जाएगा और निकल जाएगा फिर। सब बर्तन पड़े हुए थे तो मैंने सोचा इतने घी मेल्ट होता है, इतने बर्तन साफ कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे से देखा नहीं जाता। अगर मेरे सामने कुछ पड़ा हो तो मैं कर ही लेती हूँ काम वाम, ऐसी कोई बात नहीं है। सो गाइज, ये मेल्ट हो गया घी, देखो मेरा इतने मैंने बर्तन साफ किए, इतने मेल्ट हो गया ये। सो सारे काम करते करते, शूट करके, घर के काम करके, साफ़ सफाई करके शाम हो गई थी। फिर ये शाम की पूजा करी मैंने, इवनिंग पूजा। सो गाइस, चमका दी रसोई मैंने और आंटी ने मिलके। आंटी ने ज्यादा मेहनत की, मैंने भी की, बट आंटी ने ज्यादा। तो डब्बे बिल्कुल चमक रहे हैं, एक्स्ट्रा है ये सब। वैसे इसमें पानी है क्या? ना गंगा जल है। कुछ तो काम आओगा क्या करे? सारे काम है, सारे काम से क्या करे? अच्छा री सासू माँ, तो काम आओगा बेटी। पिछवाड़ा सिर्फ पीछे पीछे होता ना कि आगे, तो लट सिर्फ पीछे लगेंगे। तो साफ सफाई हो चुकी है और बस एक तो झाड़ू पोछा करना डेली, कमा कमा करते हैं मैं करूँ। ओ हो तो बिचारी ठीक है, आंटी ने बिल्कुल चमका दिया। सो गाइज, इसमें है मुल्तानी मिट्टी, चंदन, हल्दी, नीम, तो इसे अप्लाई करूँगी मैं फेस पे, देन 10-15 मिनट बाद वॉश कर लूँगी। सो गाइज, बात कुछ ऐसी है, ये बची हुई मैंने हाथ पे भी लगा ली थी और पैरों पे भी। अभी साइकिलिंग करने जा रही हूँ, इसे वॉश वॉश करके, कपड़े वपड़े चेंज करके, एंड मस्त ग्लो आ गया, मस्त एकदम। तो गाइस, सबकी अपनी स्किन होती है, तो मतलब मेरी स्किन मतलब अच्छी है, गॉड गिफ्टेड स्किन है, अच्छी है मेरी स्किन। मतलब कि मैं फेस पैक लगाती हूँ तो उससे भी मुझे बेनिफिट ही होता है, और बट इतनी भी अच्छी नहीं है, मतलब थोड़ी सेंसिटिव है। वैसे अच्छी है बट सेंसिटिव है, मतलब कि मैं कोई हार्ड चीज़ अपनी फेस पे यूज़ नहीं कर सकती। तो सबका अपना स्किन का होता है कि अपने स्किन के अकॉर्डिंग ही अपने फेस पे कुछ भी यूज़ करना चाहिए। मतलब कि जैसे मैं यूज़ कर रही हूँ, इट मीन्स ये नहीं कि आप भी यूज़ करेंगे, नो, इट्स अ बिग नो। पहले अपनी स्किन को समझो कि तुम्हारी स्किन कैसी है, फिर उसके अकॉर्डिंग अपनी स्किन पे यूज़ करो, ठीक है? तो मेरे स्किन पे मतलब सेंसिटिव है, ऑयली नहीं है बट नॉर्मल है, बट थोड़ी सेंसिटिव है, क्योंकि हम जैसे माहौल में रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंगली मेरी स्किन सेंसिटिव है। तो मैं कोई भी केमिकल वाली चीज़ अपने फेस पे नहीं अप्लाई कर सकती, स्किन ख़राब हो जाएगी। इसलिए मैं मुल्तानी मिट्टी या फिर चंदन, हल्दी, ये सब, बेसन वगैरह, ये सब लगा लेती हूँ। ये इतने हार्श नहीं रहते फेस पे, ये क्लिनजिंग कर देते हैं फेस की। सो इसलिए हमेशा फेस पे अपनी स्किन के अकॉर्डिंग अप्लाई करो जो भी करना है, ठीक है? तो मैंने कभी पार्लर में, सैलून में कभी फेस पे कुछ नहीं कराया कभी भी, मेरी नेचुरल स्किन एकदम। देखना ये होता है जब फेस वॉश करती हूँ ना, पूरी
पूरी भीग जाती हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि सबका अपना स्किन होता है। वैसे जिनकी ऑयली स्किन है वो मुल्तानी मिट्टी अप्लाई कर सकते हैं, तो उससे फेस की जो चिकनाहट है, मतलब कि जो ऑयलीनेस है, वो ख़त्म हो जाती है मुल्तानी मिट्टी से भी। तो मैं तो हल्दी, बेसन, दूध, दही, मलाई एंड ये सब अप्लाई करती हूँ फेस पे। मुल्तानी मिट्टी, चंदन, बेसिकली मतलब कि सॉफ्ट चीज़ें फेस पे यूज़ करती हूँ। मतलब हार्श, मतलब कि जो हार्ड होती है, उन चीज़ों को मैं फेस पे यूज़ नहीं कर सकती। और मैंने कभी सैलून में नहीं गई, मेरी नेचुरल स्किन है, सी एकदम नेचुरल स्किन है, मेरा फेस एकदम नेचुरल है। तो ये तो मेरा वीकली, वीक में अगर मैं जितना मैं फ्री होती हूँ ना, अपने पे ही टाइम यूज़ करती हूँ मैं, जितना फ्री होती हूँ फेस पे हेयर मास्क, फेस मास्क, हेयर मास्क, फेस मास्क, और बचा कुछ है मैं बॉडी, हाथ पे भी अप्लाई कर लेती हूँ, हाथ पे, पैर पे, ज़्यादा बच जाए तो टांगों पे भी अप्लाई कर लेती हूँ। तो ये है। और मतलब स्किन तो मेरी इतनी सेंसिटिव है कि मुझे ना फेस वॉश भी शूट नहीं करते, क्योंकि उनमें बहुत केमिकल होते हैं, तो फेस वॉश भी मुझे शूट नहीं करते। तो मैं बहुत ही सेंसिटिव सोप यूज़ करती हूँ। सो गाइस, अभी मैं बना रही हूँ बनाना शेक, कल बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था यार, मज़ा आ गया। लो टेस्ट करके बताओ। बंद कर लिया कर, नहीं ना म्यूजिक ना करने लग रही, म्यूजिक थोड़ी ना है, ओरिजिनल लग रहा खुद का। अच्छा, मीठा ठीक है के? Here I am drinking my banana shake, which was very good and tasty and healthier. So guys, ये बनाई मैंने चटनी, and ये थोड़ी सी चटनी मैंने इसमें use कर ली चावल में, तो fried rice हो गए, tasty लगते हैं बहुत। तो गाइज, आज तो मैंने वर्कआउट भी नहीं किया, योगा भी नहीं किया, कुछ नहीं किया, क्योंकि वैसे तो मैं करने वाली थी, लेकिन काजल बोलती कि साइकिलिंग पे चलेंगे, तो मैं कहा ठीक है फिर। तो फिर मुझे लगा कि फिर एक टाइम पे तो एक ही चीज़ होती है, या साइकिलिंग या फिर योगा या फिर वर्कआउट। बट फिर वो लाइट लेने के लिए चली गई, तो मुझे ना इधर का छोड़ा ना उधर का छोड़ा, मेरा टाइम चला गया योगा का भी, वर्कआउट का भी, और साइकिलिंग तो फिर वैसे नहीं होती, रात को अंधेरा हो जाता है। तो फिर आज मैंने कुछ नहीं किया। फिर अभी मैंने बनाया चावल और चटनी बनाई है टमाटर की, मस्त एकदम। सो गाइस, ये लाइट लेके आई है, और मतलब पूरे रूम में ऐसे मतलब बहुत लग रही है आंखों में, मैं इसकी तरफ तो देख ही नहीं सकती लाइट की तरफ तो बिल्कुल नहीं, मतलब जैसे फिल्मों में होता है ना वैसी कुछ है ये लाइट, मतलब मेरी आईज देखो, आई जस्ट कांट, मैं इसे देख नहीं सकती, बहुत बहुत हैवी है। मतलब जैसे सूर्य होता है ना, जैसे हम सूरज को बिल्कुल ध्यान से पास से देखें, ऐसा इफेक्ट है, बिल्कुल देख नहीं सकते। ये देखो फर्क देख रहे हो, सुंदर आ रही होंगे नहीं? हाँ। तो बहुत ही भयानक लाइट है पूरे रूम में, ऐसे चमक गए एकदम। ड्राइंग रूम में क्या हाल होगा? पर तो जरूरत तक नहीं एक की, कैसे मैं दो नारी की सोच रही थी, और बहुत है यहाँ जुड़ते नहीं है ना,
उसमें पहले बल्ब वगैरह भी तो लग रहे हैं, लाइटनिंग लाइटनिंग, बट आईज पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। भैया हम देख रहे ना सिस्टम है जितना उसका नेचुरल वीडियो फिर उसका तो पे की भाई मैं तो वीडियो बनाऊंगी बोले अच्छा चलो ठीक है वीडियो पर बस आता रहे या कभी कभी ठीक है या फिर जो ये शोरूम वाले नहीं होंगे उनका आता है कभी कभी ठीक है लेकिन डेली नहीं ये तो बिल्कुल आंधा कर देगी पागल। अरे मैं तो दो ही वीडियो बनानी कौन सी दो ओके बाय गाइस अगर शाम को कुछ आता है तो अभी तो रात के 8:30 बज रहे हैं रोटी खाने का बिल्कुल भी क्योंकि लेट हो गया और लेट खाना नहीं खाती मैं बिल्कुल भी बट फिर मम्मी ले आई तो फिर मैंने सोचा एक रोटी तो खा ही लेती हूँ। चटनी बनाई थी मैंने टमाटर वाली खट्टी खट्टी बहुत टेस्टी बनी है।